जय श्री राम, जय बाबारी, जय ब्रह्मा जीरी, जय खेतेश्वर दातारी। मैं खुशबू मैं सिंह राजपुरोहित पुनाड़िया पुरोहितान से हाल मुंबई में। कोरोना वायरस के कारण जो जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है और लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को बाहर जाने के लिए मना किया गया है, मैं भी यही कहती हूँ कि आप अपने घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए। ऐसी मुश्किल घड़ी में आप भगवान को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, भजन कीजिए। लेकिन जब जनता कर्फ्यू लगाने के जब ऐलान किया गया था, उसी क्षण लोग महाराष्ट्र अर्थात मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, अलग अलग क्षेत्रों से अपने मातृभूमि जाने के लिए, राजस्थान गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। तो जब वो जा रहे थे, उस वक्त हमारे राजस्थान के कई भाई बंधु हैं जिन्होंने किस तरह से कटाक्ष बोल कहकर उनका तिरस्कार किया, उस बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये ठीक है कि आपको घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जो भाई बंधु जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, उनसे ऐसे कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्र से ऑडियो आ रहे। लेकिन आज ही सुबह मैंने एक ऑडियो सुना जो टेवाली गाँव से किसी भाई बंधु ने, किसी बुजुर्ग इंसान ने कहा था कि आवे जगह ने होट लेन ठोको और जन गाड़ी आया बन गाड़ी पासा होट लेकिन ठोको अटेकन वास्ते आओ थे। इसका अर्थात कहने का यही हुआ ना कि आप मरो कुछ भी करो, हमें से कोई लेना देना नहीं। अरे मानवता धर्म कहाँ गया? मुसीबत के समय तो इंसान इंसान के काम आता है। यदि वो आ रहे, बजाय इसके आपको फोन करके कहना चाहिए कि भाई तुम ठीक हो, तुम आओ इधर। उनसे ऐसे भी कह सकते हो कि आप सर्वप्रथम अपना टेस्ट करवाइए कि आप कोरोना वायरस अगर नेगेटिव निकले तो आप अपने कुछ दिनों तक घर में ही रहिए। वैसे वो जाएंगे अपने घर में जाएंगे, जिस माता पिता के बच्चे बाहर काम कर रहे, नौकरी कर रहे, ज्यादातर नौकरी वाले ही आए क्योंकि जो लॉजे वगैरह है, होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई है, तो जो लॉज वगैरह उसमें काफी तादाद में मारवाड़ी लोग, इंसान लोग खाना खाते, तो ये कोरोना वायरस का फैलने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए वो अपने घर के रास्ते आ रहे कि राजस्थान आएंगे, गांव जाएंगे। लेकिन उनसे ऐसे कहकर कह रहे हो कि मत आओ, उन्हें कितना तीर की तरह चुभा होगा। ये कोरोना वायरस है, ये तो चला जाएगा, लेकिन जो कटाक्ष जब आपने कही ना, वो हमेशा उनके दिल में रहेगा। यदि इसी तरह हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो, वो भी ऐसे ही करते। उन्होंने चाइना, इटली, जर्मन, अलग अलग विदेशों से हमारे जो भारतवासी है, जो भाई बंधु, उन्हें लेकर आ रहे, बचा रहे। यहाँ अपने गाँव में ही आने से आप उन्हें इस तरह से लोग रोक रहे हो। कहने हमारे यहाँ माता पिता कहते हैं कि आप जाइए, गांव जाइए, जो बुजुर्ग हैं उनके पास बैठकर संस्कार लीजिए। ये जी ऐसी बातें सिखा रहे हैं तो मुझे ऐसे संस्कार नहीं लेने। आप सोचिए, जो बाहर काम कर रहे, यदि सरपंच से भी कह रहे कि सरपंच की जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गांव में आने ना दे, जब इलेक्शंस होते हैं तो आप उन्हीं से कहते हो ना कि आप आइए भाई साहब और हमें वोट दीजिए, अभी वो सब हमदर्दता कहाँ गई। तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये सही है कि आप बाहर मत निकले, लेकिन ऐसे कटाक्ष शब्द का भी उपयोग ना करें। और मेरे ये वीडियो सुनने के बाद काफ़ी लोगों को तकलीफ हुआ होगा, पेट में दर्द हुआ होगा, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। तो आइंदा कभी भी ऐसी बात कहने से 10 बार आप सोच लीजिए और घर में सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।